Uh, hello aspirants welcome to the upsc analyzer so today we will discuss newspaper analysis dated 10th of august 2022 and if you are liking this analysis then please like share and subscribe i have started my upac mentorship program in which i am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail if you are interested and want to join this program for that you need to visit the telegram group and the link of the telegram group is in the description box i have also uploaded analysis of 9th august 2022 so you can watch that too यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है द पटना पावर शिफ्ट यह है एक पॉलिटिकल न्यूज़ जो कि हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार हम डेवलपमेंट्स देख लेते हैं कि बिहार में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं तो बीजेपी और जे की जो अलायंस है वो यहाँ पर टूट चुकी है ऑन ट्यूज़डे नितीश हिज अलायंस विद द बीजेपी और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है एज द कोलिशन चीफ मिनिस्टर ओनली टू स्टे क्लेम अगेन आर लेटर विद तेजस्वी एज एज डेप्टी तो यहाँ पर एक ग्रांड अलायंस बनाई गई है ही इज़ ऑल सेट टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ द जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ है फॉर एग्जाम्पल आर जे डी कांग्रेस सी पी आई सी पी आई एम एल और अब ये गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इन्होंने क्लेम किया है और यहाँ पर ये यह बनेंगे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और डेप्टी सी एम होंगे तेजस्वी यादव अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर यह बताया गया है जो महाराष्ट्र है वहाँ पर कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है तो नौ सीट्स यहाँ पर शिंदे फैक्शन को दी गई हैं नौ यहाँ पर बीजेपी को दी गई हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिर इस न्यूज़ हेडलाइन में ये बताया गया है बेसिकली कि जो डबल इंजन थी यहाँ पर जे और बीजेपी की ये यह यहाँ पर डीकपल हो चुकी है लेकिन जे के पास यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का जो वोटर बेस है उससे हो सकता है कि बीजेपी को कुछ प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि यहाँ पर जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का वोटर बेस है वो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी लेकर आती है नेक्स्ट नीतीश आयोग इज स्टेज बीइंग सेट फॉर हिम एज ऑपोजिशन फेस अगेंस्ट मोदी तो क्या यहाँ पर ऑपोजिशन फेस एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट इनको खड़ा कर सकता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है फिर श्रीकांत त्यागी तो ये एक नोएडा का केस है जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे चेस ओलंपियाड गोल्ड फॉर यूक्रेन तो यहाँ पर यूक्रेन की टीम आई थी जो कि चेस ओलंपियाड में जिसको एक गोल्ड मिला है पर ये भी हमारे लिए नहीं हम क्यों ही डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट है केजरीवाल आप विल बी अ नेशनल पार्टी वन और मोर स्टेट रिकग्नाइजेस अब यहाँ पर जो आप है वो तीन स्टेट में एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो चुकी है तो अगर एक और स्टेट में रिकॉग्नाइज हो जाती है तो यहां पर आप बन जाएगी नेशनल पार्टी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेर्ड आप स्टेट पार्टी इन गोवा आफ्टर रिव्यूइंग इट्स परफॉर्मेंस इन द फेब्रुरी असेंबली पोल्स तो आप यहाँ पर स्टेट पार्टी बन चुकी है गोवा में जेली में पंजाब में तो अगर किसी और एक स्टेट में यहां पर आप बन जाती है स्टेट पार्टी तो आपको यहां पर नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा आपको क्या पढ़ना है तो बेसिकली आपको यह पढ़ना है कि नेशनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है तो बेसिकली जो भी यहाँ पर पॉइंट्स है वो आपको याद होने चाहिए तो आप उसका क्राइटे क्राइटेरिया जाकर रिवाइज कर लेना वो लक्ष्मीकांत में भी मेंशन है जो क्राइटेरिया नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स स्टक एट होम विल अराइव वेरी सोन चाइना बेसिकली जब कोविड 19 आया था तो बहुत सारे जो चाइनीज़ चाइना में हमारे स्टूडेंट्स थे तो वो वापस आ गए थे तो उसके बाद चाइना उनके अराइवल के लिए कभी बात ही नहीं करता था और वो बहुत टाइम से इंडिया में ही हैं जिसकी वजह से उनकी स्टडीज भी यहाँ पर हॉल्ट पर हैं तो चाइना ऑन टी डे सेट इट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस फॉर द रिटर्न ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो कि इंडिया में स्टक हैं ड्यू टू द कोविड नाइन्टीन वीजा रेस्ट्रिक्शंस लेकिन अब यहाँ पर अराइवल शुरू हो जाएगा और ये लोग वापस यहाँ पर चाइना में जा सकते हैं तो वी आर वर्किंग इंटेंसिवली फॉर द रिटर्न ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स टू चाइना एंड दिस प्रोसेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स रिटर्न हैज बिगन नेक्स्ट यहाँ पर चाइना जुल्स पार्ट ऑफ ए गेम प्लान फॉर इन्वेजन ताइवान फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि चाइना जो है मिलिट्री ड्रिल्स जो कि चाइना ताइवान स्टेट या फॉर्मोसा इस्टेट में कर रहा है तो बेसिकली यहाँ पर चाइना एक गेम प्लान बना रहा है फॉरेन इन्वेजन ऑफ ताइवान फिर यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट की बात की गई है तो ताइवान स्ट्रेट आपको मैप की लोकेशन में देखना है ताइवान स्ट्रेट को यहाँ पर फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं एक यहाँ पर नया जूनोटिक वायरस का नाम बताया गया जिसका नाम है हैनीपा वायरस अ न्यू टाइप ऑफ एनिमल डिराइव हैनीपा वायरस हैज सो फॉर इन्फेक्टेड थर्टी फाइव पीपल इन चैंडोंग एंड हेनान प्रोसेसिस ऑफ चाइना तो ये वायरस जो है ये जूनोटिक वायरस है और इसका नाम है हैनीपा वायरस अब हम चलते हैं आगे स्टेप बैक फ्रॉम वाटर्स एज तो चाइना की एक स्पाइशिप जो कि हमन टोटा पोर्ट में आ रही थी लेकिन फिर श्रीलंका के ऊपर हमने डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया और श्रीलंका ने उस पोर्ट के अराइवल को डेफर कर दिया तो रिपोर्ट्स अबाउट द इंपेंडिंग विजिट ऑफ ए चाइनीज स्पाइस शिप यूआन वॉन्ग फाइव जो कि श्रीलंका के हमन टोटा पोर्ट पर आने वाली थी साइटिंग द शिप्स लीथल केपेबिलिटीज इसके अलावा यहाँ पर जो शिप की रेंज है एरियल रीच है वो है सात किलोमीटर की तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स के ऊपर भी स्नूप कर सकती थी तो फीयस हैव बीन एक्सप्रेस्ड दैट एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स विद इन इंडियन बॉर्डर्स कुड बी स्नूप्ड अपॉन इसीलिए यहाँ पर हाई लेवल्स में बहुत ज्यादा कंसर्स थे और उसके बाद हमने श्रीलंका के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की और फाइनली हम यहां पर सक्सीड हो भी गए कुछ हद तक क्योंकि चाइना पर श्रीलंका ने चाइना की शिप के अराइवल को कर दिया है रिपोर्ट्स दैट श्रीलंका हैज़ फॉर अ डीले इन द द अराइवल दाइनीजल क्योंकि यहां पर जैसे आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि लोग ये कह रहे थे कि हमने श्रीलंका को इतनी हेल्प की और श्रीलंका अब ऐसा कर रहा है हमारे सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान भी नहीं दे रहा है तो दीज लार्ज सर्वे रिसर्च वेसल्स कैरी ऑप्टिकल लेजर पैसिव रेडियो एनरोडा डिवाइस

अन फेटेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन द हाई सीज इवन इन इकोनॉमिक जोन होता है सारे ही वेसल्स के लिए इंक्लूडिंग वॉरशिप्स तो इवन इन माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देयर एक्जिस्ट द कंडीशन राइट ऑफ इनोसेंट पैसे इंक्लूडिंग वॉरशिप्स एंट्री इंटू फॉरिन पोर्ट्स स्पेशली फॉर वॉरशिप्स वो यहाँ पर प्रायर कंसेंट से होंगी लेकिन वॉर टाइम में भी 1907 का जो हेग कन्वेंशन है वो परमिट करता है एंट्री फॉर वॉरशिप्स जो कि यहाँ पर बेलिग्रेंट नेशन की ये भी है उनकी भी वॉरशिप्स को यहाँ पर परमिट करता पर पर है अगर वो यहाँ पर न्यूट्रल पोर्ट्स पर आना चाहती हैं फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन तो गिवन इट्स कॉर्डियल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कि चाइना और यहाँ पर श्रीलंका के बीच में है और कॉर्डियल डिप्लोमेटिक रिलेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो श्रीलंका की इकोनमी डिपेंडेंट है वो यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है तो देयर कुड बी नो पॉसिबल रीजन फॉर श्रीलंका टू डेनाई एंट्री तो हो सकता है कि श्रीलंका ने अभी एंट्री मना की हो लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पर श्रीलंका एंट्री अलाउ कर दे क्योंकि ये जो टूटा पोर्ट है ये भी चाइना के पास 99 इयर्स की लीज पर है व्यूड फ्रॉम द सिक्योरिटी एंगल तो प्रेजेंस ऑफ ए रिसर्च शिप लाइक द युआन वांग 5 तो हो सकता है कि इसके पास मल्टी स्पेक्ट्रल सर्वेलेंस एबिलिटीज हो तो ये ईव स्टॉप कर सकता है इंडिया के एटॉमिक फैसिलिटीज के ऊपर स्नूप कर सकता है हाउ एवर इन दिस एज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसके अलावा रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक स्नूपिंग ships, एयरक्राफ्ट सैटेलाइट ये होती है और ये सबको पता है कि यहाँ पर जो आपका दूसरा नेशन है वो आपके ऊपर स्नूप कर रहा है तो इट हैपन्स ऑल द टाइम आर आर्म्ड फोर्सेज और एजेंसीज को भी इस बात का पता है कि स्नूपिंग होती है एंड प्रिकॉशनरी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इसको लेकर बनाए जाते हैं सम इन इंडिया हैव व्यूड द फोर्थ कमिंग विजिट ऑफ द चाइनीज स्पाइस शिप टू द हमन टोटा एज एन इन्फ्रेंचमेंट की ये नाइनटीन एटी सेवन इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड का वायलेशन है अब इंडो श्रीलंकन एकार्ड क्या कहता है विच कॉल्स अपॉन द टू कंट्रीज की दोनों ही कंट्रीज इंडिया और श्रीलंका नॉट टू अलाउ देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज की दोनों ही अपनी टेरिटरीज का यूज़ होने नहीं देंगे टू भी यूज फॉर एक्टिविटीज प्रजुडस टू ईच अदर्स यूनिटी तो जो भी एक दूसरे की यूनिटी को यहाँ पर वॉलेट करता है इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को तो अपनी टेरिटरीज को उसके लिए यूज होने नहीं देंगे तो ऐसा कहा गया कि नाइनटीन एटी सेवन इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड का वॉयेशन होता अगर यहाँ पर श्रीलंका उस शिप को अलाउ कर देता हमन टोटा पोर्ट पर आने के लिए हाउ एवर कोलम्बो हेज ऑफन इक्नोलिज की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इंडिया और श्रीलंका है, वो यहां पर इंटरलिंक्ड है तो अगर किसी बात से इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट है तो उतना ही सिक्योरिटी थ्रेट थ्रेड श्रीलंका के लिए भी है हाउ एवर दैट द सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बोथ इंडिया एंड श्रीलंका आर इन इंटरलिंक्ड एनी डेलिब्रेट एक्शन इंटरेस्ट वो यहां पर इवेंचुअली रीबाउंड करेगा श्रीलंका के ऊपर भी तो गिवन इट्स जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी एंड एथनिक कनेक्शन इंडिया कंट अलाउ श्रीलंका टू सिंक अब यहां पर हमने श्रीलंका की क्यों इतनी ज्यादा हेल्प की क्योंकि हम बेसिकली इतना ज्यादा सोच ही नहीं सकते कि यहां पर श्रीलंका है वो सिंक कर जाए क्योंकि यहां पर श्रीलंका हमारा नेबर और कुछ भी होता है फॉर एग्जाम्पल अगर श्रीलंका में कोई भी क्राइसिस आती है तो इंडिया में उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है फॉर एग्जाम्पल जब यहां पर सिविल वॉर हुआ था उसका इंपैक्ट भी इंडिया में देखने को मिला फिर उसके अलावा अभी यहां पर जो रेफ्यूजीज हैं वो इंडिया में आने लग गए थे तो न्यू हैज़ ऑलरेडी रेंडर्ड सब्सटेंशियल हेल्प लेकिन हम उतनी ही हेल्प कर सकते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है तो हमारी इतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है कि हम यहां पर श्रीलंका को इस क्राइसिस से पूरी तरीके से बाहर निकाल सकें तो इंडिया इज नीदर द इकोनॉमिक वेयर विदल नॉर पॉलिटिकल कैपिटल कि हम श्रीलंका को इस पूरी क्राइसिस से बाहर निकाल सकें तो इसीलिए यहां पर जो श्रीलंका है वो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है देयर फॉर अपार्ट फ्रॉम द आईएमएफ चाइना विल हैव टू लैंड अ हैंड फॉर श्रीलंकाज इकोनॉमिक रिकवरी तो या तो हमें अपनी मिलिट्री केपेबिलिटीज और इकोनॉमिक केपेबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत है चाइना के बराबर लाने की जरूरत है फॉर दिस टू हैपन कोलंबो विल नीड टू को टू बेजिंग एंड इंडिया मस्ट शो डिप्लोमैटिक फॉरबेरेंस तो यहाँ पर जो श्रीलंका है वो चाइना के करीब जाएगा ही जाएगा और हमें इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है फर्स्ट इंडिया मस्ट फेस द रियालिटी कि जो चाइना है वो मेरीटाइम ग्रेट पावर बन चुका है फर्स्ट इंडिया मस्ट फेस द रियालिटी दैट विद इट्स थ्री फिफ्टी वर्टशिप स्ट्रांग और ये लगातार ग्रो हो रही है बैटल फोर्स हैविंग ओवरटेकन द यू एस नेवी चाइना हैज़ अचीव इट्स एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ मेरी टाइम ग्रेट पावर चाइना का दो हज़ार उन्नीस का एक वाइट पेपर है जो कि ये कहता है कि जो मेरीटाइम सिल्क रोड है उसको सेफ करने के लिए यहाँ पर चाइना ने अपनी नेवी को बहुत बड़ा कर लिया है द स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स जो कि यहाँ पर चाइना ने क्रिएट किया है इंडिया को बेसिकली हर तरफ से इन्सर्कल करने के लिए दस अंटिल इंडिया कैन बॉलस्टर इट्स इकोनॉमिक एंड मेरी पावर तो हमें अपनी इकोनॉमिक और मेरी पावर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है दूसरा इशू यह है कि चाइना के बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाइना अभी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है इसके अलावा चाइना यहाँ पर हर साल बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है लगभग पचास स्पेस लॉन्चेस करता है तो चाइना का ये कहना है हम इस शिप को लेकर आ रहे हैं सेटेलाइट को ट्रैक करने के लिए तो हो सकता है कि चाइना का ये जेन्यून ऑब्जेक्टिव हो कि चाइना को सच में यही काम हो चाइना यहाँ पर कोई स्पाई करने नहीं आ रहा हो तो सेकेंड इशू दैट डिजर्व आर अटेंशन इज द इंटेंस एक्टिविटी ऑफ चाइनाज स्पेस प्रोग्राम विच हज प्लान फिफ्टी स्पेस लॉन्चेस फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन मिड अप्रिल्रिल थ्री चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स जो कि अर्थ पर आए थे फ्ट स्पेंडिंग सिक्स मंथ तो इसका मतलब यह है कि चाइना का स्पेस प्रोग्राम भी बहुत तेजी से आगे चल रहा है और चाइना यहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाने वाला है तियांगोंग ड्यूरिंग सच स्पेस एक्टिविटी सर्वे और शिप की जरूरत पड़ती है ट्रैक करने के लिए तो हो सकता है कि चाइना का यहाँ पर जेन्यून रीजन हो तो फॉर एग्जाम्पल कल को अगर हम यहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो हमें भी ट्रैक करने के लिए सेटेलाइट्स को जरूरत पड़ेगी फाइनली लेटेस्ट रिमेबर दट इज रो ऑल्सो हैज एन एम्बिशियस मैन स्पेस प्रोग्राम अंडर वे एंड डी आर डी ओ इज़ और विल भी अंडरटेकिंग टेस्ट फ्लाइट्स ऑफ इट्स अग्नि सीरीज ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ओवर डिस्टेंट ओशियनिक स्टार्जेस तो इंडिया को भी यहाँ पर रिसर्च वेसल्स को डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ेगी तो so, हो सकता है ये हमारी भी ऐसी जेन्यून रिक्वेस्ट हो लेकिन यहाँ पर दूसरा कंट्री ये कहे कि हमें तो सिक्योरिटी कंसर्ट्स हो तो ऑथर ने यह सब बताया यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पर ब्रेक एंड मेक तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में है नेक्स्ट है मोर देन मेडल्स तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के

द एस सीज ऑर्डर ग्रांटिंग परमिशन टू अंडर गो एन अबॉशन वॉज पासड द केस जो कि एक पटिशनर थी वो एक कन्सेंशुअल रिलेशनशिप में थी अपने पार्टनर के साथ वो यहाँ पर प्रेगनेंट हो जाती है लेकिन उसके बाद उसका पार्टनर उसको डिजिट कर देता है अब रूल थ्री भी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 का जो कि यहाँ पर अलाउ करता है कि 24 हफ्ते तक भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में फॉर एग्जांपल सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इसेस्ट इसके अलावा माइनर्स जहाँ पर मेरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी तो मेरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी वेमेन विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ वेमन विद प्रेगनेंसीज इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स इसके अलावा फीटल मेल फॉर्मेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ लाइफ होता है और इवन इफ द चाइल्ड इज बॉन्ड तो उसको यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकल या मेंटली हैंडीकैप हो सकता है अब यहाँ पर आपने देखा कि मैरिटल मैरिड वीमन के बारे में तो मैंशन ही किया अगर मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता ड्यूरिंग द ऑन गोइंग प्रेगनेंसी लेकिन यहाँ पर अनमेरिड वीमन के बारे में मैंशन नहीं है तो बेसिकली यहाँ पर चौबीस हफ्ते तक अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है तो उसमें अनमेरिड वीमन के लिए कोई प्रोविजन था ही नहीं तो हाईकोर्ट में पहले पिटिशनर गई थी और हाईकोर्ट ने यहाँ पर मना कर दिया था तो हाई कोर्ट फाउंड दैट द पिटिशनर हैड नॉट अंडर अ चेंज इन मैरिटल स्टेटस क्योंकि वो यहाँ पर मैरिड थी नहीं वो तो बेसिकली यहाँ पर लिव इन रिलेशन में थी फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितना राइट यहाँ पर मैरिड वेमन को ही है उतना यहाँ पर अनमेरिड वेमन को भी है तो एम टी पी एक्ट नाइनटीन सेवनटी वन वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर द स्कोस ऑफ वेमेन जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क फेस करती थी बिकॉज ऑफ अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड और जो सेक्शन थ्री वन का है वो एबॉशन को क्रिमिनलाइज करता है तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एम एक्ट नाइनटीन लाया गया था फिर यहाँ पर तीन जजमेंट्स की बात की है पहला है 2010 का एस खुशबू केस विच रिकॉग्नाइज द लिगैलिटी ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स इसके अलावा प्री मैरिटल सेक्स को यहां पर रिकोगनाइज किया गया था फिर दो का सुचिता श्रीवास्तव केस जिसमें रिकॉगनाइज किया था कि वेमेन्स राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव तो प्रीप्रोडक्टिव चोम की पर्सनल लिबर्टी वो अपनी रिप्रोडक्टिव को लेकर उसके पास पूरा राइट right है फिर यहां पर केस पुट्टा स्वामी जजमेंट की की बात गई है विच रीअमड राइट टू बॉडली इंटेग्रिटी और वो यहां पर वुमेन की फंडामेंटल राइट टू प्रेविसी का ही पार्ट है तो वुमेंस राइट टू बॉडली इंटेग्रिटी और ये यह पर फंडामेंटल राइट टू प्रवेशी का ही पार्ट है द कोर्ट ऑब्जर्व दार्टवेट हैज द रिप्रोडक्टिव चॉइस ऑफ अ वुमेन एंड बॉडली इंटेक्ट्री टर्मिनेट कराना चाहती है प्रेगनेंसी को इसीलिए मेरिड और अनमेरिड वेमेन के बीच में यहां पर डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता तो आपको जजमेंट तो लग रहा होगा बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है लेकिन एज सच हमारे लॉज इतनेसिव नहीं है तो एज पोमेसिव एज द इंडियन लीगल रिजीम बाई कॉन्ट्रास्ट तो यहाँ पर वेमेन को एक मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ता है या तो कोर्ट के पास जाना पड़ता है डिसीजन लेने से पहले तो बेसिकली जो डिसीजन उसे खुद लेना चाहिए कि उसको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी या नहीं करानी और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ लेना चाहिए फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर ये बताएगा कि कहीं आप इस स्टेज में करा रही हो तो उसकी वजह से आपको कहीं मेडिकली कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो यहाँ पर कोर्ट्स के इन्वॉल्वमेंट की या यहाँ पर बोर्ड के इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मेडिकल बोर्ड की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है या तो कोर्ट्स की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है तो अगर आप अगर आप देखो तो इतना भी ज़्यादा लिबरल प्रोसेस नहीं है तो केस इज एक्सपेक्टेड टू बी हर्ड क्स्ट है तो तो जन्म हुआ था तब से अभी तक इंटरनेट बहुत ज्यादा फ्लरिश हो चुका है और जब वो आए थे तभी यहाँ पर बेसिकली जब उनका जन्म हुआ होगा यूट्यूब फेसबुक और ये सब कुछ आ चुका होगा तो ऑथर ने यह बताया किसे किया जाए तो विद नरेंद्र मोदी लेट एन डी ए गवर्मेंट विद्रॉइंग द अर्लियर प्रोपोज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तो यहाँ पर जो पी डी पी बिल है उसको यहाँ पर विद्रॉ कर लिया गया जो कि एक दो दिन पहले हमने डिस्कस किया था 150 दिस मेक्स द कोहट ऑफ नियरली 150 मिलियन फर्स्ट टाइम वोटर्स जो कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में वोट करेंगे तो एज इंडियाज लार्जेस्ट कोहट दैट हैज़ बीन डिजिटल फर्स्ट फ्रॉम द कैडल तो बेसिकली जब से वो पैदा हुए हैं उन्होंने यहाँ पर डिजिटाइजेशन ही देखा है तो दिस जनरेशन ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स एक्सपीरियंसड ऑल द सिग्निफिकेंट डिजिटल शिफ्ट जो कि हमें देखने को मिला फॉर एग्जाम्पल हैविंग बीन बॉर्न अराउंड द सेम टाइप जब इंडिया में फेसबुक यूट्यूब और ट्विटर आया था दिस जनरेशन केम ऑफ एज विद द टच स्क्रीन रेवोल्यूशन इसके अलावा वो यहां पर स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये बताया गया है जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो इंटरनेट ज्यादातर यूज करते हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए राधर देन एजुकेशन फिर यहाँ पर ये बताया गया इन वोटर्स के साथ आप इंगेज कैसे हो सकते हो तो यहाँ पर ये बताया गया फॉर एग्जांपल यहाँ पर फेसबुक है फेसबुक का टिक टॉकिफिकेशन हो गया इसके अलावा यहाँ पर यूट्यूब है यूट्यूब का टिक टॉकिफिकेशन हो गया तो बेसिकली जो उनके स्क्रीन टाइम है वो होता है नब्बे सेकंड का कि इन्होंने कोई रील देखी नब्बे सेकेंड की उसके बाद ये आगे बढ़कर तो आपको यहाँ पर नब्बे सेकेंड में ही इनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी है वाइल यूट्यूब एंड व्हाट्सएप आर मोस्ट लाइकली देर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ न्यूज़ टू दें तो ये न्यूज़ यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं जानते हैं ये न्यूज़ यहाँ पर यूट्यूब और व्हाट्सएप को देख कर जानते हैं फेसबुक एंड ट्विटर आर ऑलरेडी लेगेसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि अर्लियर एरा को बिलोंग करती हैं फिर यहाँ पर यह बताएगी जो इंस्टाग्राम है वो तो पूरा टिकटॉक बन चुका है तो टिकटॉक स्टाइल शॉर्ट्स आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आपको इनके साथ एंगेज करना है तो यूनिक डिजिटल कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ दिस डेमोग्राफिक और फर्स्ट टाइम वोटर्स विल रिक्वायर क्रिएटिव अप्रोचेस तभी आप इनके साथ एंगेज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ चेंजेस किए हैं जैसे कि जो यहाँ पर सेवेंटीन ईयर ओल्ड्स हैं वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके अलावा हर क्वार्टर में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को खोला जाएगा तो जो भी यहाँ पर रजिस्टर करना चाहता है बेसिकली अट्ठारह साल तक हो जाएगा दो हज़ार के इलेक्शन तक तो वो यहाँ पर वोट कर सकता है तो इंडिया इज नॉट अलोन इन इट्स पर ऑफ टेक्नोलो नेशनलिज्म यहाँ पर इंडोनेशिया भी ऐसा करता है इनफैक्ट यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी ऐसा करता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे एफ बी आई रेड ऑन ट्रंप होम द लॉ द एक्शन इन द पॉलिटिक्स तो 1978 का एक लॉ है द यू एस कांग्रेस पास द लॉ इसमें यह कहा गया था जो भी प्रेसिडेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर ऑफिस होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं है इसका मतलब वो प्रेसिडेंट की प्रॉपर्टी नहीं है वो यहाँ पर यू एस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं प्रेसिडेंट के वो यहाँ पर यूएस के ऑफिस में ही रहेंगे और वो प्रेसिडेंट अपने घर लेकर नहीं जा सकता है लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप थे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने घर चले गए इसीलिए इनके घर पर रेड पड़ी है तो अकॉर्डिंग टू अ कॉन्ग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट साइटेड बाई द न्यू यॉर्क टाइम्स द लॉ वॉज इंट्रोड्यूस आफ्टर इट एमस्ट कि जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे जब पता चला कि वो वॉटर गेट स्कैंड में इन्वॉल्व थे तब उन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को नष्ट करने की कोशिश की थी उसके बाद नाइनटीन सेवेंटी एट में इस एक्ट को पास किया गया था कि बेसिकली जो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट्स के डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर यू एस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो किसी पर्टिकुलर प्रेसिडेंट की प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड एक्ट रिक्वायर्स दैट ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के अपार्ट फ्रॉम इस पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पर्स 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 और हर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पर उसको यूएस ऑफिस उस में ही रख कर जाने बेसिकली वो उसको लेकर अपने घर नहीं जा सकता है नेक्स्ट है एजीएम एटी एट हार्म तो ये यहाँ पर यूएस ने दी है यूक्रेन को डीजर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जो कि यहाँ पर यूक्रेन को दी गई है बाय द यूएस। द स्टेटमेंट हैज पुट मीट ऑन रशियन एलिगेशन की रशिया का ये एलिगेशन कि अमेरिकन एंटी रडार मिसाइल ए जी एम एटी एट हार्म जो कि नेटो की इन्वेंट्री है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है यूक्रेन को तो एक्रोनिम हार्म इन द ए जी एम एटी एट स्टैंडस फॉर तो इट इज़ बेसिकली हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है इट इज़ अ टेक्टिकल वेपन जो कि आप फाइटर एयरक्राफ्ट से फायर कर सकते हो इसके अलावा इसके पास केपेबिलिटी है कि यह डिटेक्ट कर सकता है इसके अलावा होम इन कर सकता है रेडिएशन को तो मिसाइल वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई द टेक्सस एक दलास हेडक्वार्टर्स जो कि टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स बट इज़ नाउ प्रोड्यूस बाय द मेजर अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम किसकी है तो हम यहाँ पर यूएसए की है जो कि यहाँ पर यूक्रेन को दी गई है क्योंकि एक बार प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन आया था थर्ड की थर्ड किसका है तो ये भी आ सकता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉमिस एंड प्रॉब्लम्स तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या चेंजेस किए गए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन फोर्टी टू और फोर्टीन की बात करेंगे तो इसमें यह कहा गया है कि कंपटीशन लाने के लिए फॉर एग्जांपल एक एरिया में बहुत सारी डिस्कॉम्स को लाइसेंस दे दिया जाएगा तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर चूज करते हो ना कि आपको कौन सी टेलीफ़ोन की सर्विसेज चाहिए कि आपको यहाँ पर एयरटेल चाहिए वोडाफोन चाहिए वैसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर कौन से पावर डिस्कॉम की सर्विसेज चाहिए तो फॉर कंज्यूमर्स द बिल क्रिएट बाई द यूनियन कैबिनेट लास्ट हैज डे टू प्रोज सेक्शन फोर्टी टू एंड फोर्टीन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट दस इनेबलिंग कॉम्पिटन इन रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पॉवर ऑफरिंग द कस्टमर्स कस्टमर् वो चूज कर सकें कि उनको कौन सा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए जैसे कि आप टेलीफोन या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को चूज करते हो द बिल विद द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन टू ऑफ द एक्ट ये कहता है कि जो सीलिंग्स है वो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम फिक्स कर दी जाएगी कि उससे ज़्यादा कम तो आप नहीं कर सकते ये इसीलिए करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर प्रेडिटरी प्राइजिंग ना हो तो प्रेडिटरी प्राइजिंग ना हो उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर जो सीलिंग्स है टेरिव सीलिंग्स वो यहाँ पर फिक्स कर दी जाएंगी इसके अलावा ये कहा जाएगा जो स्टेट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तेलंगाना है उसके ऊपर ग्यारह करोड़ का ड्यू है जो कि उसने यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को नहीं दिया है तो यह कहा जाएगा स्टेट्स को कि आपको यहाँ पर टाइमली टैरिफ का रिविजन करना है और टाइमली यहाँ पर आपको कैश प्रोवाइड कर देना है टू द पावर डिस्कॉम्स कि बेसिकली इनके पास कैश तो हो कि ये यह यहाँ पर पावर जनरेटर कंपनीज को पे कर पाएं तो ऑल्सो द अमेंडमेंट बिल हैज सेवरल प्रोविजन टू इन्श्योर ग्रेडेड एंड टाइमली टैरिफ रिविजन्स दैट विल हेल्प प्रोवाइड स्टेट पावर यूटिलिटीज़ इनफ कैश टू बी एबल टू मेक टाइमली पेमेंट्स टू पावर प्रोड्यूसर्स फिर वाई इज इट बींग अपोज तो यहां पर अपोज किया जा रहा है तो बेसिकली यहां पर यह कहना है कि पावर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है तो अगर आप कोई भी पॉलिसी लेकर आ रहे हो रिगार्डिंग पावर तो बेसिकली आपको कंसल्ट करने की जरूरत है विद द स्टेट्स तो प्रेम चंद्रन सेट दैट पावर इज अ सब्जेक्ट कम संदर्द कॉन्करेंट लिस्ट एंड इट वॉज द बाउंड ड्यूटी और द मैंडेटरी ऑब्लीगेशन की यहाँ पर जो सेंटर है वो स्टेट्स के साथ कंसल्ट करे लेकिन सेंटर ने यहाँ पर स्टेट्स के साथ कंसल्ट नहीं किया अभी एक डिबेट यह भी चल रही है कि जो फ्रीबीज की बात की जाती है पावर सब्सिडीज दी जाती है फॉर एक्जाम्पल डेली में दी जा रही है पंजाब में दी जा रही है उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेट को रेवेन्यू लॉस होता है

जीती है तो पैसा को बहुत यहाँ पर स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा गुजरात के ट्राइबल एरियाज में तो आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल सैन डे दे डिक्लेयर दे दे अ सिक्स पॉइंट गारंटी फॉर ट्राइबल्स इन गुजरात छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग द स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेसा तो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट जो कि नाइनटीन में इनेक्ट किया गया था क्यों किया गया था तो बेसिकली जो पार्ट नाइन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि पंचायत से रिलेट करता है उसके प्रोविजन को एक्सटेंड करने के लिए टू द शेड्यूल एरियाज तो पार्ट नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसको एक्सटेंड करने के लिए टू द शेड्यूल एरियाज यहाँ पर पेसा एक्ट को इनक्ट किया गया था नाइनटीन नाइनटी सिक्स में अदर एंड पंचायत पार्ट नाइन यहाँ पर कंप्राइज करता था आर्टिकल टू फोटी थ्री से टू फोर्टी थ्री जेड टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें प्रोविजन है रिलेटिंग टू म्यूनसपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो शेड्यूल एरियाज़ क्या है तो अंडर द एक्ट शेड्यूल एरियाज आर दो जो कि रेफर हैं इन आर्टिकल टू फोटी फोर क्लाज वन जिसमें यह कहा गया कि जो भी प्रोविजन फिफ्थ शेड्यूल में है दे शेल अप्लाई टू द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट्स कौन से स्टेट्स के अलावा तो अदर देन असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम तो विच सीज दट प्रोविजंस ऑफ फिफ्थ शेड्यूल शेल अपलाई टू शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट अदर देन असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम तो फिफ्थ शेड्यूल में रेंज ऑफ प्रोविजन जो कि एप्लीकेबल होंगे अब पेसा एक्ट में किया क्या जाता है तो पेसा एक्ट अगर एक्सटेंड किया जाता है तो ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है तो पेसा एक्ट वॉज इनेक्टेड टू इश्योर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभास फॉर पीपल जो कि शेड्यूल एरियाज में रहते हैं तो ये यहाँ पर राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रिकॉगनाइज़ किया जाता है जो कि उन शेड्यूल एरियाज में रहते हैं और वो अपना सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को परस्यू कर सकते हैं तो दिस इंक्लूड्स कि आप प्रोसेस पर्सनल जो कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अलावा आपका कंट्रोल होता है ओवर माइनर या फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स तो टेन स्टेट्स आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात हिमाचल प्रदेश जो कि यहाँ पर नाम मैंशन है इन फिफ्थ शेड्यूल को नोटिफाई किया है और यहां पर पेशा को एक्सटेंड भी किया है तो गुजरात में भी दो में पैसा एक्सटेंड हो गया था लेकिन उसके बाद भी स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अब यहां पर पेसा में ग्राम सभा की पावर को ओवर करने के लिए 2020 में गुजरात ने नोटिफाई किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी जो कि विलेजेस को एडमिनिस्टर करेंगी अराउंड द सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू इन नर्मदा तो इसमें यहां पर ये जो बॉडी है इसको पावर दे दी गई टू ओवर पंचायत डिसीजन तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके अलावा इन्होंने क्या किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर पास किया और ये कहा जो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है उसको यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन की तरह डिक्लेयर कर दिया तो नर्मदा विलेज के आसपास जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसको यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन की तरह डिक्लेयर कर दिया और ये कहा जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इन्क्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट वो यहाँ पर सेकेंड ओनर है लैंड इन विलेजेस की तो ये यह यहाँ पर सेकेंड ओनर वाला प्रोविजन तो बाद में वापस ले लिया लेकिन यहाँ पर इको सेंसटिव वाला प्रोविजन वापस नहीं लिया हाउ एवर द इको सेंसटिव जोन नोटिफिकेशन रिमेन्स इन इन फोर्स जिसकी वजह से यहाँ पर ग्राम सभा की पावर को ओवरराइड करने की कोशिश की तो ट्राइबल वोट बैंक गुजरात में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात इज अमंग द टेन स्टेट्स जिसमें यहाँ पर जो शेड्यूल एरियाज हैं वो अकाउंट करते हैं ऑफ एट पॉइंट वन परसेंट ऑफ द एस टी पॉपुलेशन और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्राइब है दट इज भील देर इलेवन मेजर ट्राइब्स इन गुजरात द लार्जेस्ट बंग भील जो कि यहाँ पर फोन एट परसेंट ऑफ द स्टेट की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है तो यहाँ पर ओ एन डी क्या है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किसने बनाया है? इसको डीपीआई टी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर है तो ओ एन डी वॉज लॉन्च अर्लियर दिस ईयर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि एक इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इंक्लूसिव ई कॉमर्स मार्केट बनाना है अब इंक्लूसिव ई कॉमर्स मार्केट बनाने की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एमेजन फ्लिपकार्ट इन्होंने अपनी एक तरीके से मोनोपली स्टैब्लिश कर ली है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पोजिशन स्टैब्लिश कर ली तो इंक्लूसिव ई कॉमर्स मार्केट बनाने के लिए यहाँ पर ओ को लॉन्च किया गया था बाई द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड आया है फॉर ओ एन ट सी तो ओन डी सी विच इज डेवलपिंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ऑन ट्यूजडे सेट यू एस टेक जॉइंट माइक्रो सॉफ्ट हैज ऑन बोर्डेड इट्स प्लेटफॉर्म तो ये यहाँ पर एक इसके लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया तो फर्स्ट पेज पर हमने कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ रीड नहीं किया तो हम फिर से नहीं डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर जो आप है वो नेशनल पार्टी बन सकती है अगर एक और स्टेट में रिकग्नाइज हो जाए तो तीन स्टेट्स में रिकग्नाइज हो चुकी एक और स्टेट में रिकग्नाइज होने की जरूरत है बाकी आपको लक्ष्मीगान से क्राइटेरिया पड़ना है नेशनल पार्टी का स्टेट पार्टी का नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बाकी यहाँ पर एक वायरस की बात की गई जिसका नाम है हैनीपा वायरस जो कि चाइना में फैल रहा है और ये एक जूनॉटिक वायरस है फिर यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट तो ताइवान स्ट्रीट की आप लोकेशन देख लेना इसको फॉर्मोसा स्ट्रीट भी कहते हैं ये किसको सेपरेट करती है जब आप देख लेना स्टेप बैक फ्रॉम वाटर्स एज तो यहाँ पर जो चाइना की शिप है वो हमन टोटा में आ रही है यूआन वॉन्ग फाइव लेकिन उसको यहाँ पर डेफर कर दिया गया फिर ऑथर ने ये बताया कि जो यू एन क्लाज़ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो कि यहाँ पर परमिट करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की हाई सीज़ में यहाँ पर किसी भी कंट्री की शिप आ सकती है इसके अलावा यहाँ पर नाइनटीन जीरो सेवन का एक कन्वेंशन ये कहता है जो बेलिगरेंट नेशन की भी वॉरशिप्स है वो भी यहाँ पर न्यूट्रल पोर्ट्स पर आ सकती है फॉर द लिमिटेड ड्यूरेशन और हो सकता है कि चाइना की यहाँ पर जेन्यून डिमांड होगी सच में उसको अपनी सेटेलाइटेंशा करनी हो आप ये कोई समझ रहे हो कि उसको स्पाई करना है फिर नेक्स्ट अ फुलर राइट तो यहाँ पर सेक्शन थ्री बी जो रूल थ्री भी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 उसमें यहाँ पर कुछ कैटेगरी ऑफ वेमेंस हैं जो कि एलिजिबल होती हैं वो 24 हफ्ते तक भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं लेकिन इसमें अनमेरिड वीमन को इंक्लूड नहीं किया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जो इंटरप्रटेशन है यह बहुत ज्यादा नहर हो इस पर अनमेरिड वीमन को भी इंक्लूड करने की जरूरत है क्योंकि आप मेरिड और अनमेरिड के बीच में कोई नहीं कर सकते हो नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है टॉकिंग टू द न्यू वोटर कि आप न्यू वोटर से कैसे इंगेज होगे तो यहाँ पर ये यह बताया गया कि डिजिटल मीडिया का यूज़ करके आप न्यू वोटर के साथ इंगेज हो सकते हो यूएस के हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे फिर यहाँ पर बात की गई है एजीएम 88 एट हम तो हम क्या है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि यूएसए की है और यूएसए ने यहाँ पर यूक्रेन को प्रोवाइड की है नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या क्या प्रोविजन है तो पहला प्रोविजन तो यह है कि एक ही एरिया में बहुत सारी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होंगी जिनको लाइसेंस दिया जाएगा और यहाँ पर कंज्यूमर के ऊपर होगा कि वो चूज़ कर सकता है प्रेडेटरी प्राइसिंग ना हो उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर टैरिफ जो है वो सेट कर दी जाएंगे कि इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है इसके अलावा यहाँ पर यह कहा जाएगा जो टैरिफ है इनको रेगुलरली रिवाइज़ करना है जो भी ड्यूज़ हैं पावर डिस्कॉम्स के वो यहाँ पर टाइम पर देने हैं नेक्स्ट है पेशा एक्ट तो यहाँ पर सबसे पहले शेड्यूल एरियाज़ की बात की गई तो शेड्यूल एरियाज वो हैं जो कि आर्टिकल 244 फोर्टी फोर वन में है जो कि ये कहते हैं जो प्रोविजन है फिफ्थ शेड्यूल के वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे अदर देन असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम तो यहाँ पर पेशा एक्ट अगर एक्सटेंड होता है तो उसका मतलब ये है कि जो ग्राम सभा उसको ज़्यादा पावर दी जाती है इन मोस्टली ऑल सोशल सेक्टर्स में यहाँ पर जो ग्राम सभा उसको ज्यादा पावर दी जाती है नवंबर 2020 में गुजरात ने एक अथॉरिटी को नोटिफाई किया और ये कहा कि जो यहाँ पर ग्राम सभा की पावर्स हो उसको ओवरराइट कर सकती है ये अथॉरिटी फिर यहाँ पर जो भील है वो सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है गुजरात में नेक्स्ट यहाँ पर यह बात की गई जो ओ है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जिसको यहाँ पर डीपीआईआई कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है एक इक्लूसिव ई कॉमर्स स्पेस बनाने की बात की जा रही थी तो माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए ऑनबोर्ड आ चुका है तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Thank you and have a nice day.